मुझे ढेर सारे कमेंट्स आते हैं, त्योहार के टाइम हम लोग गुजिया वगैरह तो खा नहीं सकते, मिठाई खा नहीं सकते, तो ऐसे में जो डायबिटिक मेंबर है वो लोग क्या खाएं? तो उनके लिए लाई हूँ गुजिया। अब गुजिया का नाम सुन के आपको लगेगा कि गुजिया तो डायबिटिक मेंबर खा ही नहीं सकता, लेकिन जो आज मैंने गुजिया बनाई है गेहूँ के आटे से, तो वो डायबिटिक मेंबर तो बहुत मजे से खा सकता है, इंजॉय लेकर खा सकता है। हरी चटनी के साथ इसको इंजॉय कर लिया या सॉस के साथ, तो बार बार इसे बनाएंगे। तो आज हम बना क्या रहे हैं वैसे? गेहूं के आटे के परे, बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम मेहनत में, और इसे बनाकर भी रख सकते हैं। ये मैं आपको आगे स्टेप बताऊंगी, इसे बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। चलिए एक बोल लेते हैं, एक छन्नी रखते हैं, उसमें एक कप डाल रही हूँ गेहूं का आटा जो भी हमारे घर में होता है, और 1/4 कटोरी आप डाल दीजिए सूजी। इन दोनों को मिलाकर आप छान लीजिए। इसमें डाल देंगे हम नमक स्वाद अनुसार, और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ घी। ऑयल या घी कुछ भी डाल दीजिए, ये चॉइस आपकी है। इसे अच्छे से मिक्स करके नॉर्मल आटे की तरह गूंथ लीजिए। बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए। आपने कई टाइप के नाश्ते खाए होंगे, एक बार ये नाश्ता बना लीजिए, बेहद पसंद आएगा। इस गूथे हुए आटे को हम अच्छे से मलते हुए ढक कर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक थोड़ा सूजी फूल जाए। अब लेती हूँ यहाँ पर दालें। इसके लिए मैंने लिए 1/4 कप चना दाल और 2 टेबल स्पून उड़द की सफेद दाल, जिसे मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रखी थी। भिगोने के बाद इसका पानी निकाल दिया है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको, ये फूल सी गई हैं। इसे हम मिक्सी में डालेंगे पीसने के लिए, और उसके साथ क्या क्या डालूंगी वो बताऊंगी। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से डालिए। मैंने 4 से 5 कली लहसुन और 1 टुकड़ा अदरक का, 2-3 हरी मिर्चें, ये सब मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो उसे आप हटा सकते हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी मिर्ची, मैंने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है कलर के लिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर जरूर डालें, स्वाद अच्छा आएगा, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम डाल दिया हींग। हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, हींग डालना बिल्कुल न भूलें। इस तरीके से बढ़िया सी दरदरी सी दाल पिसेगी, आपको हो सकता है 1/2 चम्मच पानी डालना पड़े। वैसे जितना अच्छा आप भिगोएंगे तो पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बारी आती है, आप या तो सिर्फ इसी दाल को ऐसे ही यूज करो, या फिर कुछ सब्जियां मिक्स करो, जो भी सब्जियां डालना चाहें चलेगा। मैंने बारीक कटी हुई 1 गाजर डाल दिए, और अभी नए मटर आए थे तो मैंने थोड़े से मटर के दाने डाल दिए। सबको मिक्स करके एक तरफ रख देते हैं। ऊपर से बारीक हरा धनिया डाल देती हूँ। ये बिना पके भी दाल बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी, क्योंकि इसे हम इस तरीके से स्टीम देंगे, इस तरीके से बॉईल करेंगे कि बिना पके भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। अब बारी आती है, एक पैन लेते हैं जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। आप नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हो, घी भी ले सकते हो, पर सरसों का ऑयल एक बार डाल के देखिए, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा। 1/2 चम्मच डाल देंगे सफेद तिल, 2 सूखी साबुत लाल मिर्चें, कुछ करी लीव्स, और इसमें भी 1/4 टीस्पून डाल देंगे हींग। इन सबको पकाने के बाद इसमें कम से कम 2 से 2.5 कप पानी डाल देंगे, ढक देंगे। इतनी देर में हमारा जो आटा था वो भी अच्छे से सेट हो गया है। आपने देखा कितना बढ़िया सा लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो सूखा है ना तो लूज है। इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाइए। और इसको हमें बेलना होगा। इस तरीके से हम ज्यादा पतला भी नहीं, ज्यादा मोटा भी नहीं, सारी लोइयों को बेल लेते हैं। जब सारी लोइयों को बेल ले तो उसके जो इक्वल पार्ट आए, मतलब उसकी सुंदरता बढ़े, इसके लिए मैंने एक एक कटोरी से उसे कट कर लिया है। कट करने के बाद अच्छे से इसके ऊपर फिलिंग डाल दी है। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ, ये देखिए, जब हम इसको गुजिया की तरह बांधेंगे ना, तो एक साइड, दोनों साइड हल्का सा कोने में हम खुला छोड़ देंगे। खुला छोड़ने से होगा ये जो दालें हैं ना, वो थोड़ी सी अंदर से पक जाएंगी और खुलेंगी भी नहीं। मुझे भी किसी मेरी फ्रेंड ने ऐसे बताया था कि इस तरीके से अगर करते हैं तो अंदर दाल बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो जाती है, मतलब स्टीम लग जाती है दाल में। ऐसे पूरा बंद करके जब हम पकाते हैं ना, तो इतने अच्छे से दाल पकती नहीं है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसे जरूर फॉलो कीजिए।
साइड के जो कोने हैं उन्हें आप थोड़ा सा खुला रखिए। ये देखिए लग रही है ना गुजिया जैसी। अब सारी गुजिया इस तरीके से बना लीजिए। मैं बार बार गुजिया कह रही हूँ क्योंकि गुजिया वाला त्योहार है दिवाली का। वैसे ऐसे गेहूं के आटे के फरे कहते हैं, चावल के आटे से बनाते हैं तो चावल के आटे के फरे कहते हैं। इस पूरे मिश्रण से आपके कम से कम 14 से 15 फरे बन जाएंगे, क्योंकि जो मैं साइड का कट किया था ना, अभी मेरे 10-12 हैं और जो साइड के कट किए थे ना पीसेस मैंने गेहूं के आटे से, तो वो भी काफी सारा है, तो इतने सारे बन जाएंगे। मतलब 4-5 मेंबर आराम से इन्हें एंजॉय कर सकता है। अब ये जो पैन में मैंने पानी रखा था उबलने के लिए, वो अच्छे से उबल रहा है। इसमें सारी इन गुजिया को, इन फरे को इसमें डाल दीजिए। अब इन्हें ढककर आप कम से कम 10 से 12 मिनट तक पका लीजिए। जब 10-12 मिनट में इसका कलर भी चेंज हो जाए, आपको दिखे कि बहुत बढ़िया ये पक गई हैं, इन्हें आप निकालते जाइए। इसी पानी को वेस्ट नहीं करना है, जो हमें फरे और उबालने हैं तो इसी पानी में हम उबालेंगे। अब ये फरे थोड़े ठंडे हो जाएं, तब आप इस तरीके से कट कर लीजिए। एक गुजिया के 3 पीस कर लीजिए। वैसे तो आप इन्हें ऐसे ही एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि हमने जो तेल मसाले डाले थे उसी में बहुत बढ़िया ये स्वादिष्ट बन जाते हैं। पर फिर भी आपको और अच्छा स्वाद चाहिए तो एक तड़का और लगा लीजिए। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा ऑयल डाला, थोड़ा जीरा, थोड़ा राई, हरी मिर्च की लंबी लंबी कटी हुई पीसेस डाले हैं और अदरक को भी लंबा काट कर डाल दिया है, और मैंने यहाँ कुछ करी लीव्स डाले हैं। अब ये सारे क्रिस्पी हो जाएं तो यहाँ पर सारे फरे आप डाल दीजिए। मैंने एक गुजिया नुमा पीस भी रख दिया है, आपको मन करे काटे नहीं इस तरीके से गुजिया को भी सेक सकते हो। अब आपको इसे सेकना होगा ऊपर नीचे करके। अक्सर हम पोहे, ढोकले, उपमा, उत्तपा, कई सारे नाश्ते बनाते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा आपको नाश्ता। लास्ट में ऊपर से आप थोड़ा सा कोई भी मसाला डाल दीजिए, जैसे कि पाव भाजी मसाला, सांबर मसाला, मैगी मसाला, या फिर आपने जो कोई मसाला पसंद हो वो डाल सकते हो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा सा सांबर मसाला डाल दिया है। अगर कोई मसाला ना डालना चाहे तो लाल मिर्च, हल्दी, नमक वो भी डाल सकते हो। हरी धनिया से गार्निश कर दीजिए, लगा लीजिए इस नाश्ते को हरी चटनी टमेटो केचप के साथ। आज आपको काफी सारा डिस्टर्ब हुआ होगा, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, क्योंकि घर में काम चल रहा है, दिवाली का टाइम है, मेरे घर में ना सही हर घर में चल रहा है, तो कुछ रोक ही नहीं सकते, तो क्षमा चाहूंगी अगर आप कई बार डिस्टर्ब हुए होंगे। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।